हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का ECO 01 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक 4 बिजनेस सर्विसेज यूनिट 15 ट्रांसपोर्ट एंड वेयरहाउसिंग। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं। फर्स्ट इज ट्रेड एंड बैरियर्स बैरियर्स टू ट्रेड, उसके बाद है ट्रांसपोर्ट एंड इट्स इम्पॉर्टेंट असेंशियल्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, चॉइस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कंटेनराइजेशन, उसके बाद है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, लास्ट इज वेयर हाउसिंग। ट्रेड एंड बैरियर्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड का मतलब हम सभी जानते हैं, व्हाट इज ट्रेड। ट्रेड मतलब होता है व्यापार करना, यानी कि किसी को आपको कुछ देना है या फिर कुछ लेना है तो उसको क्या कहते हैं, हम ट्रेड कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है बैरियर्स, ट्रेड और बैरियर्स मतलब क्या होता है, रुकावटें, कि ट्रेड के अंदर क्या क्या चीजें रुकावटें हैं, बैरियर्स हैं ट्रेड के लिए, तो वो क्या है, ठीक है। तो इसको पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्या है। A barrier to trade is a government-imposed restraint on the flow of international goods on services, कि जो हमें international goods और services मिल रही हैं उसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, restriction। अगर government हमारे trade के ऊपर restriction लगा रही है तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, barriers है, कुछ ना कुछ रुकावटें हैं, ठीक है। flow जो चल रहा है उसके ऊपर, मतलब international goods या services के ऊपर क्या लगाई जा रही है, restriction लगाई जा रही है, तो उसको हम क्या करेंगे कि barriers to trade है, ठीक है। इस तरह किस किस तरह से लगा सकती है गवर्नमेंट, ये जैसे टैक्स को इंक्रीज कर दे, ठीक है, कुछ ऐसी पॉलिसीज ले आए कि जिसकी वजह से हम जो है वो उस पर्टिकुलर कंट्री की या नेशन की जो गुड्स हैं या सर्विसेज वो हमें नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारे और भी अदर रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा बैरियर्स टू ट्रेड। अब इसके बाद है हमारे पास ट्रांसपोर्ट एंड इट्स इम्पोर्टेंस, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का क्या ही मतलब होता है, कि मतलब अगर हम बात करें अपने इसके अंदर बिजनेस के अंदर, तो ट्रांसपोर्ट किस लिए जरूरी है, ट्रांसपोर्ट बहुत चीजों के लिए जरूरी है। फॉर से कि अगर यहाँ पर आप फॉर असम में रहते हो, ठीक है, आप असम से टी मंगवाना चाहते हो तो आप कहाँ से कैसे लेकर आएंगे, असम में तो टी उगाई जा रही है लेकिन आप बैठे हो दिल्ली में, आपको पीनी है चाय और अब वो कहाँ से मिलेगी, ठीक है। चाय पीने के लिए हमें चाहिए भाई कि हमें टी का कहीं से पैकेट मिल जाए और उसके बाद हम चाय बनाएं, तो टी लाने के लिए हमें असम तो जाना नहीं पड़ेगा, मतलब हम तो नहीं जाएंगे, तो ट्रांसपोर्ट में भेज के, यानी कि किसी भी ट्रक वगैरह में भेज के, ये रोड से या फिर ऐसे ऊपर से आ सकता है एयर के थ्रू, ठीक है, या फिर कैसे आ सकता है, रेल के थ्रू भेज सकते हैं या फिर ट्रक के थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे अदर अदर क्या है ट्रांसपोर्ट्स के मीन्स है जिससे हमें क्या मिल सकता है, ये टी का पैकेट मिल सकता है ना, ताकि हम दिल्ली में बैठ के और अपने कप में डाल के और इसको पी सके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद में हमारे पास है एक मिनट, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये क्या मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, मेक रॉ मटेरियल अवेलेबल टू मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, ये क्या करता है, मेक मतलब जो रॉ मटेरियल होता है उसको क्या बनाता है, अवेलेबल बनाता है हमारे लिए टू मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, जो भी उस चीज को बना रहे हैं और या फिर उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए क्या बनाता है, अवेलेबल बनाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की हेल्प से तो कर सकते हो कि अगर ये टी है, ठीक है, तो ये टी आपके लिए अवेलेबल बनाई जा रही है ना, ताकि आप उसको अपने कप में डाल के पी सको, ठीक है, अवेलेबल। चाहे अब बात करो, एक अदर एग्जांपल ले लो कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए कैसे हो गया, कि कोई भी अगर कार कार बनाना चाहता है फॉर एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, तो उसको क्या क्या चाहिए होगा, पेंट चाहिए होगा, स्टील चाहिए होगा और भी बहुत सारी अदर चीजें चाहिए होगी, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, वो सब क्या हो गया उसके लिए, रॉ मटेरियल हो गया, कहीं से वो पेंट लेकर आ रहा है, कहीं से वो कुछ लेकर आ रहा है, स्टील लेकर आ रहा है, ठीक है, ये हमारा पेंट हो गया, ये स्टील हो गया, लाइट्स हो गया, और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिनका यूज करके वो क्या बनाएगा, एक कार को डेवलप करेगा, ठीक है। कार को डेवलप करने के लिए उसको ये सारी चीजें जरूरत पड़ेगी, तो ये सब उसके लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, उस रॉ मटेरियल का यूज करके वो क्या करेगा, एक कार को बिल्ड करेगा और उसके बाद में वो भेजेगा, ठीक है। तो ये सब अवेलेबल कराएंगे ना, क्योंकि यहाँ से तो अब वो ये सब कैसे आएगा, ये मान लो ये दिल्ली से लेकर आ रहा है, ठीक है, पेंट, और ये मान लो मुंबई से लेकर आ रहा है, ये कहीं और कंट्री से लेकर आ रहा है, तो अलग अलग जगह से उसको एक जगह पे प्रोवाइड करने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट की हेल्प लगेगी। उसके बाद में है मेक गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए भी क्या है, गुड्स अवेलेबल कराया जाए। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा था कि असम से अगर हमें टी मंगवानी है, ठीक है, तो अगर हम दिल्ली में बैठे हुए हैं और हमें पीनी है जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, कहीं से भी
गुड्स को मंगवा सकते हैं। आजकल तो हम ऑनलाइन भी बैठे बैठे बहुत सारी चीजें मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर्स को क्या करें, गुड्स अवेलेबल कराएं, ठीक है। फैसिलिटी लार्ज स्केल प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट, ठीक है। अब ये क्या है कि यहाँ पर जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्ट जब बहुत सारे ट्रक में हम एक साथ बहुत सारा सामान इकट्ठा करके लेकर आ सकते हैं। अब जरूरी तो नहीं है ये टीका पैकेट सिर्फ आपके लिए आ रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए आ रहा है, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं और उन सभी को चाय पीनी है, तो वो क्या करेंगे, इकट्ठा ही एक साथ लेकर आ जाएंगे और सबको अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। और वहां पर जो कॉस्ट है वो भी क्या होगी, लो रहेगी। उसके बाद है हेल्प इन ब्रिंगिंग नेशन टुगेदर, कि यहाँ पर देखो अलग अलग नेशन के साथ में जब आप ट्रेड करोगे तो वो क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, मिलेंगे, और उसके बाद में वो आपस में एक दूसरे के साथ में क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, और उनका व्यवहार भी अच्छा रहेगा। उसके बाद है हेल्प इन इम्प्लॉयमेंट। इम्प्लॉयमेंट में क्या है कि अगर हम ट्रेड यानी कि अगर हम व्यापार को बढ़ा रहे हैं, जब व्यापार बढ़ेगा और लोगों के पास में सामान जाएगा तो वहां पर बहुत सारे लोग क्या है उसके लिए अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो जब बहुत सारे लोगों के पास सामान जा रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो इम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी। तो ये सारे कुछ थे कि ट्रांसपोर्ट हमें किस तरह से मतलब हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद है एसेंशियल ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम, की क्या क्या चीजें असेंशियल है, जरूरी है, वो क्या है, इट शुड बी इकोनॉमिकल। ऐसा नहीं कि अगर आपने मंगवाया एक टीका पैकेट आसाम से, ठीक है, तो भाई वो तो तुम्हारे टीका पैकेट इतना महंगा हो जाएगा कि तुम्हें बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो वो क्या है, इकोनॉमिकल होना चाहिए, ज्यादा कॉस्ट हाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग जब इकट्ठा करके मंगाएंगे तो फिर वो कॉस्ट जो है वो कम आएगी। इट शुड बी कैपेबल टू ऑफ कैरिंग गुड्स एज स्पीडली एज पॉसिबल, ठीक है, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गुड्स को पहुंचाया जाए। द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज शुड बी अवेलेबल रेगुलरली एज एंड वेन रिक्वायर्ड, ठीक है। रेगुलरली ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज जो है वो हमें अवेलेबल कराई जाए, ठीक है, जो भी बिजनेसमैन है उसके लिए, और रेगुलरली जैसे भी रिक्वायर्ड हो उसको मिले। उसके बाद है इट शुड बी ऑपरेटेड बाय द प्रॉपरली स्किल्ड एंड इफिशियंट पर्सन, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी भी बंदे को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बैठा दिया और ट्रक वाले वो क्या करे, एक्सीडेंट करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। स्किल्ड पर्सन होने चाहिए जिनको मतलब ड्राइविंग आती है, ठीक है, और वो कैपेबल होने चाहिए कि किसी भी इमरजेंसी मतलब अगर कुछ ऐसा कुछ एक्सीडेंटली कुछ हो रहा है तो उन सारी चीजों को हैंडल कर सके। उसके बाद है प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर लोडिंग एंड अपलोडिंग, अनलोडिंग और लोडिंग के लिए भी प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिलीवरी ऑफ गुड शुड बी मेड एट लोकेशन कन्वीनियंट टू द रिसीवर ऑफ द गुड, कि इस तरह से हमें गुड्स की सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। जो जो ट्रांसपोर्ट है उसकी सर्विसेज इस तरह की होनी चाहिए कि जो हम डिलीवरी दे रहे हैं गुड्स की वो ऐसी लोकेशन पे हो जहाँ पर हमारा जो रिसीवर है गुड का उसको कन्वीनियंट वे में वो मिल जाए, ठीक है। ये था हमारा एसेंशियल ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, किस किस तरह के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं ये तो आप सबको पता होगा, हम बचपन में भी पढ़ते थे। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या होते हैं, रोड से रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट और सी ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और कुछ मिसलिनियस होते हैं जैसे एयर से हो गया और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, पोस्टल हो गए या फिर पाइपलाइंस हो गई जिससे हम गैस वगैरह लेकर आते हैं, गैस या फिर ऑयल वगैरह, ठीक है, तो ये मिसलिनियस में आ गए। उसके बाद में इसके कुछ एडवांटेजेस होती हैं, इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं रोड की, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी। रेल से कुछ भी चीज़ लेकर आना है उसकी डिसएडवांटेज एडवांटेजेस लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये सब आप जानते ही हैं, ठीक है, तो ये आप कर लोगे। चॉइस ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, चॉइस ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की किस तरह से चॉइस करें कि कौन सा ट्रांसपोर्ट हमारे लिए बेस्ट है, तो वो कैसे चॉइस करेंगे, जिसकी कॉस्ट हमारे लिए सफिशियंट है। अब किसी पर्सन है, कोई पर्सन है जिसको मतलब छोटा सा अमाउंट मंगाना है, ठीक है, मान लो कि उसको सिर्फ इतना 100 या फिर 1000 मान लो 1000 बॉक्स जो है वो टीके मंगवाने हैं, ठीक है, फ्रॉम आसाम, और यहाँ पर है उसका घर दिल्ली में। अब ये टी तो मंगवाना चाहता है 1000 के, ठीक है, जो एक ट्रक मतलब एक ट्रक है सफिशियंट है जो उतना टी का पैकेट लेकर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर वो एयर के थ्रू, ठीक है, मंगवाना चाहता है कुछ भी, यानी कि अगर वो एरोप्लेन से मंगवाना चाहता है तो यहाँ पर उसकी कॉस्ट अगर मान लो 2000 रुपये आ रही है तो यहाँ पर उसकी कॉस्ट हाई नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या है, कॉस्ट जो हमारे लिए ठीक लगे हमें वैसा कुछ चूज करना चाहिए। उसके बाद है स्पीड, जो जितनी जल्दी आ सके। अब यहाँ पर ये नहीं कि अगर यहाँ पर अगर हम एरोप्लेन से मंगाना चाहते हैं कोई चीज तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर हमें बहुत ज्यादा जल्दी मंगवाना है तो हम एरोप्लेन से भी मंगा सकते हैं, तो वहां पर हमारी जो कॉस्ट है वो मैटर नहीं कर रही हो वो भी देखना है, ठीक है। अगर स्पीड मैटर इतना ज्यादा नहीं करता और उसके बाद में हम मतलब उसको रेल के थ्रू या फिर ट्रक के थ्रू मंगवा सकते हैं तो हम वहां पर उसके लिए जाएंगे। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी, की फ्लेक्सिबिलिटी भी देखनी है कि कौन सा कब कैसे लेकर आएगा, और उसको चेंज भी कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि कभी हम
अगर हम रोड से मंगवा रहे हैं तो हम रोड से ही मंगवाएंगे, हम रेलवे के थ्रू नहीं जा सकते, ठीक है, ऐसा भी देखना है पर होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि अगर हमारी कॉस्ट कैसी है और स्पीड पे अगर हम चेंज हो सकते हैं डिमांड के हिसाब से, तो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, और रेगुलरिटी मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हाँ एक बार तो सामान ला कर दे दिया, नेक्स्ट डे वो मना कर दे कि हाँ हम नहीं लेकर आ रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो आपको अच्छे से चूज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कंटेनराइजेशन, ठीक है। कंटेनराइजेशन में क्या होता है कि कंटेनराइजेशन रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ यूजिंग स्पेशली मोर कंटेनर्स, ठीक है। ये क्या करता है, कंटेनर्स को मतलब बनाता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड, ठीक है। गुड्स का ट्रांसपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े कंटेनर्स में मतलब उसको सामान को रख देता है, गुड्स को रख देता है। इट्स इन्वॉल्व्स कैरिज ऑफ गुड्स इन लार्ज बॉक्सेस लाइक कंटेनर दैट कैन बी लोडेड एंड अपलोडेड, मतलब लोड भी कर सकते हैं अपलोड भी कर सकते हैं, टू एंड फ्रॉम ट्रेन्स, ट्रेन से भी हो सकता है ये, ट्रक से भी हो सकता है, शिप से भी हो सकता है, एंड एयरक्राफ्ट से भी हो सकता है, बाय मैकेनिकल डिवाइसेस, मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज करके, मशीन्स वगैरह, इंस्टेड ऑफ मैनुअल लेबर, मैनुअल लेबर का यूज ना करके, यानी कि लोग उसको लेकर नहीं जा रहे, बड़े बड़े कंटेनर को अपने सर पे उठाकर नहीं लेके जा रहे, मशीन का यूज करके, आजकल होता है ना लेकर जाते हैं मशीन का यूज करके उसको घसीटते हुए, मतलब उसके नीचे पहिए से लगे होते हैं उससे लेकर जाते हैं। बींग इंगेज इन ट्रांसफरिंग पैकेजिंग लोड्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे ट्रांसफरिंग पैकेजेज जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, तो उनको लेकर जाना, ठीक है। उसके बाद है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, दो तरह के एजेंट होते हैं, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग। क्लियरिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, क्लियरिंग एजेंट नॉट ओनली अंडरटेक टू कम्प्लीट ऑल द फॉर्मेलिटी फॉर रिसीविंग डिलीवरी ऑफ द इम्पोर्ट गुड्स, ये याद रखना किस लिए होता है ये, इम्पोर्ट, जो भी गुड इम्पोर्ट करके आया है, ठीक है, रिसीव कर लिया, सिर्फ यही नहीं डिलीवरी कर ली, यही नहीं, बहुत सारे इसके रूल होते हैं, जैसे कि बट मतलब इनके अलावा भी ये क्या क्या फैसिलिटी पूरी करते हैं कि ये जो डिलीवर किया है गुड, द गुड्स एट द इम्पोर्टर्स वेयर हाउस, कि इम्पोर्टर जो वेयर हाउस करना चाहता है यानी कि कहाँ पर उसको रखना चाहता है स्टोरेज के लिए, वहां पर इसको पहुंचाए, दे चार्ज अ कमीशन फॉर ऑल देयर सर्विसेज, कि जिस तरह की भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन सबके ऊपर ये क्या करते हैं, कमीशन को चार्ज करते हैं। नेक्स्ट इज फॉरवर्डिंग एजेंट, फॉरवर्डिंग एजेंट कब किसके लिए होते हैं, एक्सपोर्ट्स के लिए, ठीक है, एक्सपोर्ट्स के लिए, आयात निर्यात हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था, ठीक है। आर सिमिलरली इंगेज बाय हाँ एक्सपोर्टर टू कंपाइल विद द कस्टमर फॉर्मैलिटी, कस्टमर फॉर्मैलिटी को पूरा करते हैं, एंड अदर रिक्वायरमेंट ऑफ द पोर्ट, ठीक है, जो भी पोर्ट्स के ऊपर रिक्वायरमेंट होती है कि सामान को लेकर जाना, भरेंगे ना पोर्ट के ऊपर सामान को लोड करना, एंड डॉक अथॉरिटी सब कुछ कनेक्शन करना, और उसके बाद में शिपिंग ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट के लिए भेज देना, ठीक है, ये सारी फॉर्मैलिटी कौन पूरी करता है, फॉरवर्डिंग एजेंट। वेयर हाउसिंग तीन तरह की होती है, तीन तरह की, सबसे पहली होती है बॉन्डेड वेयर हाउसिंग। बॉन्डेड वेयर हाउसिंग क्या होती है कि मान लो आपने ना शिप से कोई सामान मंगवाया, शिप बना देते पहले हम, शिप से आपसे आपने कोई सामान मंगाया, ठीक है, कैसे बनाऊं शिप, ये रही हमारा शिप, ठीक है, शिप से आपने कोई सामान मंगाया, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, जब कोई गुड्स, ठीक है, आपने इंपोर्ट किया फोर से, आपने ना मान लो यूएसए से कोई मशीन मंगवाई है अपने किसी काम को करने के लिए, ठीक है, अब ये आपके पास इंपोर्ट हो गया, मतलब इन्होंने पोर्ट पे भेज दिया, ठीक है, इन्होंने भेज दिया पोर्ट पे, भेजने के बाद जो पैसा इनको तो देना था वो तो दे दिया। अब इंपोर्ट करने के बाद में यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट जो है वो हम पर चार्ज करती है, ठीक है, गवर्नमेंट हम पर कुछ ना कुछ चार्ज लगाती है, कस्टम ड्यूटी वगैरह वगैरह, तो ये जो ड्यूटीज होती हैं जब तक हम इनको पे नहीं करते तब तक गवर्नमेंट हमें ये जो मतलब जो हमारा सामान है वो नहीं देती है, ठीक है। ये तीन तरह से गवर्नमेंट जो है वो अपने पास में मतलब स्टोर करके रख लेती है, जो भी सामान होगा ना, मान लो हमारे इसमें कुछ भी मशीनरी वगैरह आई है तो गवर्नमेंट ने इसने क्या किया, स्टोर करके रख लिया ये सामान, और जब तक नहीं देगी, जब तक हम इसकी कस्टम ड्यूटी को पूरा नहीं करेंगे, कंप्लीटली इसको पैसे पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तीन तरह से ये होता है, जैसे कि अगर हम चाहें तो इसको, अगर मान लो कि इसको मशीनरी को लाने के लिए जो मेरी कस्टम ड्यूटी है वो 1000 रुपीज लग रही थी, लेकिन अभी मेरे पास पूरे पैसे नहीं है तो मैं क्या करूंगी, इसको मतलब मेरे पास पैसे ही नहीं है तो फिर मैं किस मुंह से जाऊंगी इनके पास में सामान लेने के लिए, तो मुझे सामान देने ही नहीं वाले तो फिर मैं जाऊंगी ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि पहला हम जाएंगे नहीं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, पर जब पैसे अवेलेबल होंगे हम वहां पर जाकर ले लेंगे, और दूसरा हो गया कि ये ना हमें पार्ट्स में यानी कि जो इंस्टॉलमेंट, यानी कि अगर
अगर ये कस्टम ड्यूटी अगर मान लो 500 मतलब 1000 रुपीज है, पर 500 रुपए मेरे पास है, तो 500 रुपए पे करके जितना भी मेरे को सामान मिलता है, जो भी मशीनरी है जितनी मिलती है उतनी ये हमें दे देंगे, ठीक है। मशीनरी को तोड़ कर तो नहीं देंगे, तो जितना मतलब मान लो कोई सामान है तो उस सामान का जितना पार्ट हमें मिल सकता है उतना दे देंगे, ठीक है। और भी हो सकता है कि हम पूरी ले आए, ठीक है, हमारे पास पैसे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, पूरी 1000 रुपीज पे करेंगे और अपना सामान जो है वो ले आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में पब्लिक वेयर हाउसिंग। पब्लिक वेयर हाउसिंग मतलब कि एक ऐसा पर्सन है जिसके पास पैसा है, ठीक है, और उसने ना मतलब वेयर हाउसिंग के लिए एक मतलब घर बना दिया है। यहाँ पर इसके लिए भी ना हमें लाइसेंस चाहिए होता है और इसके लिए भी हमें लाइसेंस चाहिए होता है पब्लिक वेयर हाउसिंग के लिए। यहाँ पर एक पर्सन है जिसके पास पैसा है और उसके पास घर भी है, मतलब उसके पास प्लॉट था, तो उसने वेयर हाउसिंग के लिए एक मतलब पर्टिकुलर जगह थी तो उसने वहां पर वेयर हाउसिंग के लिए एक बनवा दिया। यहाँ पर जो अलग अलग मतलब अलग पर्सन है, यहाँ मान लो ये एक बिजनेसमैन है और ये एक ऑनर है, ये एक ऑनर है, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये अपना प्राइवेट खोल सके, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर अपने सामान को स्टोर करा सकते हैं, ठीक है, रख सकते हैं, वो जब भी इनको नेक्स्ट टाइम जरूरत पड़ेगी तो ये वहां से जाकर अपने सामान को कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है प्राइवेट वेयर हाउसिंग। प्राइवेट वेयर हाउसिंग में क्या होता है कि मान लो कि एक पर्सन है, ठीक है, इसका ना हमेशा सामान ना जो भी बनाता है वो ना 100 पीस 200 पीस हमेशा ना ज्यादा बन जाते हैं, तो ये क्या करेगा, एक अपने लिए ना वेयर हाउस बनवा लेगा, ठीक है, और उसके अंदर जाकर अपना जो भी एक्स्ट्रा सामान बच रहा है उसको जाकर स्टोर करेगा। ये हमारा प्राइवेट वेयर हाउस होता है, ठीक है। यहाँ पर अपनी कंडीशन के हिसाब से जैसा भी, अगर मान लो कुछ ऐसा प्लांट वगैरह या कुछ ऐसी चीज ये कर रहा है जो मतलब जैसी कंडीशन में अच्छी कंडीशन में रहनी चाहिए, तो वो यहाँ पर जाकर स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। तो ये हमारा था बॉन्ड पब्लिक और प्राइवेट वेयर हाउसेस। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको कोई भी सजेशन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।